बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है यूट्यूब के हवाले से। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि आप यूट्यूब की कवर फ़ोटो बनाकर बताएँ कि किस तरह से यूट्यूब की कवर फ़ोटो बनाई जाती है, यूट्यूब चैनल पर लगाने के लिए किस तरह से कवर फ़ोटो बनाते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं यूट्यूब की कवर फ़ोटो। जिस तरह ये आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, मैंने अपने चैनल के लिए यूट्यूब की कवर फ़ोटो बनाई है, तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि किस तरह से हम यूट्यूब की कवर पिक्चर कैसे बनाते हैं, अपने चैनल की कवर पिक्चर बनाते हैं, इस तरह से हम क्रिएट करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें और आप अच्छे तरीके से देख सकें। चलिए शुरू करते हैं जी, आज की अपनी ट्यूटोरियल की जानिब बढ़ते हैं कि किस तरह से YouTube चैनल पर कवर पिक्चर लगाते हैं। ये देखें, वही कवर पिक्चर मैंने अपने चैनल पर भी लगाई हुई है जो भी मैंने आपको दिखाई है। चलते हैं जी अपने कोरल ड्रा की तरफ। कोरल ड्रा में ये देखें, मैंने आपके सामने एक पिक्चर पहले से अपलोड करके रखी हुई है, कोरल ड्रा में इंसर्ट करके रखी हुई है। यहाँ पर मैंने साइज़ वगैरह सारे लगा कर बताए हैं। ये साइज़ जो है वो 1280x350। यहाँ ये जो साइज़ है वो आपका सेफ़ एरिया है, जो रेड कलर के ये वाला निशान आपको नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल बना हुआ है, ये वाला जो है एरिया आपका सेफ़ एरिया है। इसके बाहर वाला एरिया आपके इस्तेमाल में नहीं है, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर करना भी है तो ये जो सेंटर में आपको रेड कलर का निशान नज़र आ रहा है, इसी रेक्टेंगल में आपने रहते हुए अपना लोगो भी लगाना है और बाकी काम भी, जो कवर पिक्चर क्रिएट करनी है वो मुकम्मल तौर पर इसी पर बनानी है। ये जो बाकी का एरिया है इस पर आप सोशल मीडिया के लिंक वगैरह लगा सकते हैं और बाकी कोई चीज़ जो आप लोगों को अच्छी लगे वो वाली आप चीज़ क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल हम लेंगे, एक रेक्टेंगल यहाँ तक ड्रा करेंगे, यहाँ तक। उसके बाद इसकी एक और कॉपी बनाते हुए, रेक्टेंगल की कॉपी करके यहाँ तक हम इसको ड्रा कर देते हैं। अब इनको मैं कोई कलर दे देता हूँ, इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, ये वाला कलर कर देता हूँ, और इसको मैं कोई कलर कर देता हूँ ब्लू। F11 किया मैंने यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ, आइडिया मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आपने ख़ुद से जो कलर आपको अच्छा लगे आपने वो वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है और अच्छे से अच्छी आपने YouTube का कवर पिक्चर बना लेनी है। यहाँ तक आपका ये वाला एरिया बन गया है और यहाँ आपने अपने लगा देने हैं सोशल मीडिया के तमाम लिंक्स, जो भी आपने लगाने हैं यहाँ पर आपने क्रिएट कर देने हैं। तो सबसे पहले बात आती है, एक मैं रेक्टेंगल यहाँ पर और ड्रा कर लेता हूँ क्योंकि पूरी एक पिक्चर का रेक्टेंगल बन जाएगा। कोई एक कलर मैं इसको दे लेता हूँ, इसको कलर मैं रेड कलर कर देता हूँ और इसको पेज डाउन कर देता हूँ यहाँ तक इस तरह से। और यहाँ पर आपने अपना लगा देना है लोगो पेज अप करके, यहाँ पर आपने अपना लोगो लगा देना है इस तरह से, जूम करके इसको। अब चाहे तो इस तरह भी लगा सकते हैं या फिर इसके नीचे एक और रेक्टेंगल बना के इस तरह से,
इसको आप कोई भी इस तरह से आप दे सकते हैं, कोई और कलर कर लेते हैं। ये अच्छा नहीं है, जो आपको अच्छा लगे आपने वो वाला कलर यहाँ पर इस्तेमाल करना है जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से कोई भी एक कलर कर देता हूँ, चलो ये वाला कर देता हूँ या ये वाला कर देता हूँ, और इसको मैं आउटलाइन इसकी नन कर देता हूँ। रेक्टेंगल आप ना भी बनाएं तब भी कोई बात नहीं है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं आप, रेक्टेंगल को आप डिलीट कर दें तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको वैसे ही एडजस्ट कर देंगे ये इस तरह से हम इसको बना देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है कि आपने रेक्टेंगल किस तरह से ड्रा करने हैं। रेक्टेंगल आपने ड्रा कर लिया और अब हम सोशल मीडिया के लिंक वगैरह लगाएंगे। जी तो मैं इसको कर देता हूँ ग्रुप, और इसके बाद इसको मैं सेंटर में डाल लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पर इसके लगा देंगे, सोशल मीडिया के लिंक लगा देंगे सारे। आप इस तरह से भी सोशल मीडिया के लिंक लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इस तरह नहीं लगाना चाहते तो ये वाले आप सोशल मीडिया के लिंक इस तरह से। आपने पिक्चरें डाउनलोड कर लेनी है PNG फॉर्मेट में, तो वो वाली पिक्चरें आप इस्तेमाल करें। मैंने पहले से डाउनलोड की हुई हैं इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा यहाँ इस तरह से। ये वाले मैं सोशल मीडिया के लिंक लगा देता हूँ, इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। आप ये वाले भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा लें, ये बेशक इस तरह से आप लगा सकते हैं। इनको आप ऊपर वाली साइड पे लगा सकते हैं यहाँ से आप। चल मैं इसको दोबारा से लगा के दिखाता हूँ। आप इनको सोशल मीडिया के तमाम लिंक्स को इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये देखें, ये बहुत ही ये भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं इनको डिलीट करके ये मैं डिलीट करता हूँ। इस तरह से आप बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत से लोगो लगा कर भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम लिखेंगे, सिंपल रखें, ज़्यादा जो है वो इसको ना आप सिंपल सा रखें, ज़्यादा जो है ना आप इसको ज़्यादा तरीके से भर देंगे तो ये अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ से इसको एरियल ब्लैक कर देता हूँ। ये एरियल ब्लैक, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ अमर एकेडमी। अब इसको कोई आपने कलर देना है तो कलर आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पर बेशक रेड इसको आउटलाइन दे दें। मैंने यहाँ पर येलो कलर किया है, F12 को प्रेस करें, और यहाँ पर आप इसको रेड कलर दें और 3s की साइड रखें आउटलाइन, बिहाइंड टेक्स्ट ज़रूर करें, और ये वाला 3 नहीं, इसको मैं 6 कर देता हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत बन गया ये इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें लिखूँ ऑनलाइन ट्यूटोरियल, क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल बनाता हूँ आप लोगों के लिए। मैं लिखता ऑनलाइन ट्यूटोरियल,
फिर इसको भी मैं कर दूंगा, यहाँ से मैं कर दूंगा इस तरह, इसको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ, इसको मैं वाइट कलर देता हूँ या फिर इसको मैं कोई और कलर जो आपको अच्छा लगे आपने वो वाला कलर दे लेना है। इसको मैं आउटलाइन देता हूँ, आउटलाइन इसको भी मैं फुल ब्लैक कर देता हूँ और इसको मैं 3 पे रख के बिहाइंड फिल कर देता हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत बन गया। और इसके साथ मैं एक और कॉपी करता हूँ लेयर, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा यूट्यूब, और यूट्यूब को मैं यहाँ से कर दूँगा ब्लैक, यहाँ यू को मैं कर दूंगा ब्लैक और इसको कर दूंगा रेड। इस तरह से इसकी आउटलाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें इस तरह से आप अपने क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या लगाना है जी वो भी देख लेते हैं कि और आपने क्या कुछ लगाना है। यहाँ पर आपने फेसबुक और बाकी सारे लिंक्स दे दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देंगे अपना एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और यहाँ तक इसको आप कलर दे दें, यहाँ से ब्लू ही दे देते हैं। इसकी आउटलाइन में वाइट कर देता हूँ, यहाँ भी मैं इसको 6 ही रखूँगा, इसको एक स्टेप में नीचे ले जाता हूँ इस तरह से, यहाँ तक इसको पावर क्लिप भी कर लेंगे। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा बन गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा www, यहाँ से मैं लिख के ले जाता हूँ। ये मैंने इसलिए इन पेज पर लिखा है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो ये लफ्ज़ जो है वो पहला अल्फ़ाबेट उसको बड़ा कर देता है। कोरल ड्रा में कुछ मसला आ रहा था इसलिए, वरना आप कोरल ड्रा पर भी लिख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको ऐसे, ये मेरी वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी। तो ये देखें कितना खूबसूरत हमारा लोगो, ये चैनल की जो है वेबसाइट सॉरी हमारे यूट्यूब चैनल का कवर पिक्चर बहुत ही खूबसूरत सा बन गया। उसके बाद अगर आपने कुछ काम किया है, अडोब आफ्टर इफेक्ट पर काम करते हैं, फोटोशॉप पर काम कर रहे हैं या फिर आप किसी और सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, तो जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है अडोब प्रीमियर
और आफ्टर इफेक्ट पर फोटोशॉप इस तरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने एक एलिप टूल की मदद से यहाँ पर एक रेक्ट एलिप यहाँ पर सर्कल ड्रा करना है इस तरह से, और इस तरह इसको आपने दे देना है कोई कलर, रेड कलर दे देते हैं, और इसके आउटलाइन में नन कर देता हूँ या फिर इसके आउटलाइन में वाइट कर देता हूँ। इस तरह से ही एक और लेयर लें इसी तरह, इस तरह से मैंने कलर लिए, एक को मैं येलो कर देता हूँ, एक को मैं ब्लू कर देता हूँ, ये वाला, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बन गया। और यहाँ पर अगर लिखना है तो मैं लिख देता हूँ फोटोशॉप, मैं फोटोशॉप पर काम करता हूँ तो मैं फोटोशॉप लिख देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ एरियल ब्लैक, जी ये हो गया। इसको मैं कलर कर देता हूँ वाइट, इसी तरह ही मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर इसको मैं कलर रेड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर काम करता हूँ कोरल ड्रा पर, तो कोरल ड्रा कर देता हूँ मैं, सी और डी कर देता हूँ, यहाँ पर कोरल ड्रा हो गया। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ ए अडोब आफ्टर इफेक्ट पर मैं काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ। और इसको कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट, तो यहाँ पर कोरल ड्रा की बजाय मैं लिख देता हूँ फोटोशॉप, और अडोब आफ्टर इफेक्ट हमने लिख दिया है। मैं प्रीमियर लिख देता हूँ, अडोब प्रीमियर पर भी काम करता हूँ, अडोब प्रीमियर, ये देखें इस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रा किया, और इसको छोटा करके लिख देख लेते हैं। ये देखें क्या बहुत ही खूबसूरत सी हमारी कवर पिक्चर बन गई है। अब यहाँ पर ये वाले आप दो लिंक्स लगा सकते हैं, यूट्यूब का लगा दें, बेशक फेसबुक का लगा दें, ट्विटर का लगा दें, वो हमने लिंक यहाँ पर भी लगा दिए हैं वैसे तो, ये वाले लिंक हमने यहाँ पर लगा दिए थे, तो आप और भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने ये आपके पास एरिया बाहर का एरिया है यहाँ पर ना ही लगाए तो अच्छा है, लेकिन ये जो अपने आपका एरिया है ये आपने यहाँ बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर आपने लगा देनी है, जो जो चीज़ें आपने आपको रिक्वायर हैं वो आप यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखें हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी कवर पिक्चर मुकम्मल हो चुकी है, ये देखें हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी कवर पिक्चर मुकम्मल हो चुकी है। मैं भी आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ, ये देखें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।